नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री पर कई करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी राह चलते ने नहीं बल्कि सीबीआई के डीआईजी ने बाकायदा लिखकर सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। सीबीआई के डीआईजी एमके सिन्हा ने अपनी याचिका में लिखा है कि सीबीआई का मतलब सेंटर फॉर बोगस इन्वेस्टिगेशन हो गया है। यहां फिरौती और वसूली का धंधा चलता है। एक अफसर की याचिका के बाद भी दिल्ली में इतनी शांति है कि लगता है कि आज न्यूज चैनलों में होली की छुट्टी है। गोदी मीडिया ही अब असली इंडिया है, क्या कर सकते हैं आप। डीआईजी मनीष सिन्हा ने अपनी याचिका में मोदी सरकार के जिस कोयला व खनन मंत्री पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं सारा ब्यौरा दिया है। उनका नाम है हरिभाई पार्थिव भाई चौधरी। 2014 में मंत्री बने थे ये। पहले गृह राज्य मंत्री बने, फिर लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बने, फिर कोयला व खनन राज्य मंत्री बने। हरिभाई पार्थिव भाई गुजरात के बनासकांठा से कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बनासकांठा के ही नीरव मोदी और हमारे मेहुल भाई हैं। 2014 में लोकसभा में ही विवादित बयान दिया था कि जिस राज्य में ज्यादा मुस्लिम रहते हैं उस राज्य में ज्यादा कैदी होते हैं। तब वे गृह राज्य मंत्री थे। हरिभाई पार्थिव भाई चौधरी की चर्चा सुबह से हो रही है मगर उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हमारी जानकारी में नहीं है अभी तक का मतलब, जब मैं प्राइम टाइम में आपको बता रहा हूं तब तक तो नहीं दिया है। मनीष कुमार सिन्हा ने लिखा है याचिका में डीआईजी साहब ने कि अस्थाना केस के शिकायतकर्ता सतीश सना ने बताया था कि राज्य मंत्री को कई करोड़ की रिश्वत दी गई है। 20 अक्टूबर की दोपहर अहमदाबाद के विपुल के मार्फत ये पैसा दिया गया। डीआईजी सिन्हा ने लिखा है कि सतीश सना ने ये बातें बताई थी जो उन्होंने उस वक्त आलोक वर्मा और सहायक निदेशक एके शर्मा को बता दी थी। मनीष कुमार सिन्हा सीबीआई के कई महत्वपूर्ण केस देख रहे हैं। 2000 बैच के आईपीएस अफसर हैं, ईमानदार होंगे वरना वो जानते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इसके बाद भी कोई आईपीएस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में लिखकर आरोप लगाए तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, उसका एक खास महत्व है। सीबीआई में वे डीआईजी हैं और हाल ही में 23 अक्टूबर की रात इनका भी दिल्ली से नागपुर उस सामूहिक अफसरों के साथ तबादला कर दिया गया। मनीष कुमार सिन्हा ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये सारे आरोप लगाए हैं। एक आईपीएस ऑफिसर ने मोदी सरकार के मंत्री पर कई करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। अभी तक मंत्री ने कोई जांच वगैरह की नैतिक जिम्मेदारी जो होती है, जो ढोंग किया जाता है कि जांच पूरी होने तक हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो सब भी नहीं किया है, ढोंग भी नहीं हुआ अभी तक। जून 2018 के पहले 15 दिनों में कभी यह पैसा मोदी सरकार के मंत्री हरिभाई पार्थिव भाई चौधरी को दिया गया है। इससे जुड़ा आरोप तो और भी खतरनाक है, आगे देखिएगा। यह रिश्वत मोइन कुरैशी केस में जांच कर रहे अधिकारी वसूली का रैकेट चला रहे थे उसी के सिलसिले में दी गई है। जल्दी से हम आपको मोइन कुरैशी केस के बारे में बता देते हैं ताकि कुछ तस्वीर साफ हो। ये मांस व्यापारी हैं मोइन अख्तर कुरैशी। इनका मामला 7 साल से चल रहा है। 3 निदेशक आए और चले गए मगर मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो सोचिए खेल क्या चल रहा होगा। 2011 में यूपीए की सरकार में इनकी जांच शुरू हुई थी। यूपीए की सरकार चली गई, मोदी सरकार आ गई और मामला वहीं का वहीं है, बल्कि इन्हें लेकर अब कितने सारे अफसरों के करियर दांव पर हैं। उनके ही राज्य मंत्री जद में आ गए हैं मोदी जी के। इस दौरान सीबीआई के 3-3 निदेशक आए चले गए मगर मोइन अख्तर कुरैशी का मामला कहीं नहीं पहुंचा। राहत फतेह अली खान मोइन कुरैशी की बेटी की शादी में भारत आए थे, लौटते वक्त एयरपोर्ट पर 56 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। इस मामले को लेकर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर खूब आरोप लगाए। उनकी सरकार आने के 3 साल बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया मगर इसकी जांच ने सीबीआई को भीतर से पूरा उलट दिया है। सीबीआई के 2-2 निदेशकों के नाम जांच के दौरान आ गए हैं। अब इसी केस के सिलसिले में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना 2 नए नाम आमने सामने हैं। निदेशक एपी सिंह सीबीआई से रिटायर होकर यूपीएससी के मेंबर बने थे जहां से उन्हें हटाना पड़ा था। सतीश सना मोइन कुरैशी का ही दोस्त और कुरैशी मामले में आरोपी। सना अस्थाना को रिश्वत देने के मामले में आरोपी है। सना ने ही आरोप लगाया था कि उसने टीडीपी के सांसद सीएम रमेश के जरिए सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को 2 करोड़ दिया था।
कथित रूप से राकेश सना, हर मामले में इधर कथित रूप ही है समझ लीजिएगा सामूहिक रूप से, राकेश सना सना को अस्थाना को अस्थाना सना को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते थे जिसकी अनुमति आलोक वर्मा ने नहीं दी, आरोप है। मगर जब सना ने अपना बयान दर्ज कराया तो कहा कि उसने दिसंबर 2017 में राकेश अस्थाना को 3 करोड़ रुपया दिया है दुबई के व्यापारी मनोज प्रसाद और उसके भाई सोमेश प्रसाद के जरिए। इसी बयान के आधार पर अस्थाना के खिलाफ FIR हुई, मनोज प्रसाद को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। IPS ऑफिसर मनीष कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री पर कई करोड़ रिश्वत के आरोप इसी केस के सिलसिले में लगाए हैं। यह सामान्य नहीं है कि CBI के DIG ने न सिर्फ कोयला व खनन राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए, बल्कि इसी मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी बाकायदा लिखकर अपनी याचिका में आरोप लगाए। इस केस में दखल देने और प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। मनीष सिन्हा ने कहा है कि जिस अस्थाना केस को वो देख रहे थे, जांच कर रहे थे, उससे हटाकर उनका तबादला नागपुर कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि PMO के इशारे पर शक्तिशाली लोगों को बचाया जा रहा था। ये कौन है PMO में जो इशारा करता है? सबूतों से छेड़छाड़ हो सके और जो और अन्य मामलों में वो जांच कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का भी मामला वो देख रहे थे, उन सबूतों से छेड़छाड़ का हो सकता है, इसलिए उनको हटा दिया गया, ये उनके आरोप है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अस्थाना की जांच में दखल दी है? क्या उन्हें बचाने के लिए अस्थाना के यहाँ छापेमारी से लेकर फोन जब्त करने से रोका है अफसरों को? मनीष कुमार सिन्हा ने अपनी याचिका में लिखा है कि अस्थाना के खिलाफ जांच में कई स्तरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गतिरोध पैदा किया। इस केस में शामिल 2 मिडिलमैन अजीत डोभाल के करीबी थे। दुबई के मिडिलमैन मनोज के जरिए ही अस्थाना को पैसे देने का आरोप लगा था। गिरफ्तारी के बाद उसने हैरानी जताई कि उसे कैसे CBI पकड़ सकती है जबकि वो अजीत डोभाल का करीबी है। उसके भाई सोमेश और रॉ के अधिकारी सामंत गोयल ने एक पर्सनल केस में अजीत डोभाल की मदद की थी। ये पर्सनल केस क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है। अस्थाना के खिलाफ जांच से लेकर FIR के स्तर पर अजीत डोभाल क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसा क्यों आरोप लगाया गया है? याचिका में लिखा है कि 5 अक्टूबर 2018 को अस्थाना के खिलाफ FIR हुई थी जिसकी सूचना आलोक वर्मा ने अजीत डोभाल को कई दिनों बाद 17 अक्टूबर को दी। सवाल है कि आलोक वर्मा अजीत डोभाल को क्यों बता रहे थे कि अस्थाना के खिलाफ FIR हुई है और अजीत डोभाल अस्थाना को क्यों बता रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है? क्या अस्थाना ने अजीत डोभाल से गुजारिश की थी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और अजीत डोभाल ने अस्थाना को गिरफ्तार होने से बचा लिया? यह सब याचिका में लिखा गया है। खंडन से तो बात नहीं बनेगी, वैसे खंडन भी नहीं हुआ अभी तक। यह मामला अब जांच से भी आगे का हो गया है। याचिका में लिखा है कि अजीत डोभाल के दबाव में अस्थाना के घर सर्च करने की अनुमति नहीं दी गई और उनके मोबाइल फोन को जब्त नहीं करने दिया गया। ये किस टाइप का जांच है भाई? अगर मोबाइल ही नहीं जब्त हुआ तो फिर क्या क्या पता चलेगा? जांच अधिकारी AK बस से जिनका तबादला पोर्ट ब्लेयर जैसी खूबसूरत जगह पे कर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाए हैं। MK सिन्हा ने अपनी याचिका में सब लिखा है। आलोक वर्मा ने पूछने पर बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेलफोन जब्त करने की अनुमति नहीं दी है। 22 अक्टूबर को आलोक वर्मा से औपचारिक दरख्वास्त किया गया मगर फिर भी अनुमति नहीं मिली। पूछने पर बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अनुमति नहीं दी है। यही नहीं, याचिका में सिन्हा ने आरोप लगाया कि जब 20 अक्टूबर को डिप्टी SP देवेंद्र कुमार के घर सर्च चल रहा था तब CBI के निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से सर्च रोकने का निर्देश आया। पूछने पर जवाब मिला कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऐसा करने को कहा है। आखिर यह केस है क्या? इसके तार कहां तक जा रहे हैं कि इस सिलसिले में CBI के 4-4 बड़े IPS अफसरों का करियर दांव पर लग गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम आ रहा है, उनका CBI से क्या लेना देना? वो ना तो CBI के बॉस हैं, वो क्यों दखल दे रहे हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम आ रहा है, अभी विधि सचिव और कैबिनेट सचिव का भी आएगा आगे, सुनते रहिए। अपनी याचिका में मनीष कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि रॉ के अफसर सामंत गोयल का फोन टैप किया जा रहा था तो एक रिकॉर्डिंग में बात आई कि सामंत कह रहा है कि इस केस को PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय मैनेज कर रहा है। वो क्यों मैनेज कर रहा है भाई? जिस दिन की यह बातचीत है याचिकाकर्ता के अनुसार उसी रात अस्थाना के केस से जुड़े सभी अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था, रात में, याद है आपको।
सीबीआई के डीआईजी एमके सिन्हा ने लिखा है कि अस्थाना केस के शिकायतकर्ता सना सतीश बाबू, ये हैदराबाद वाले हैं, इन्होंने मोइन कुरैशी केस में सीबीसी चीफ केवी चौधरी से भी मुलाकात की थी। 11 नवंबर को विधि सचिव सुरेश चंद्रा ने भी सतीश सना से संपर्क किया था और वे उस समय केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसी को इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। ये सब याचिका में लिखा है। आपको याद होगा कि अस्थाना मामले में दुबई के व्यापारी मनोज प्रसाद को जब अरेस्ट किया गया, तब बस्सी को स्पेशल सेल के डीसीपी से फोन आता है, ये लिखा हुआ याचिका में, बस्सी फोन नहीं उठाते हैं। बाद में एक अन्य इंस्पेक्टर का फोन आता है जो मनोज की गिरफ्तारी के बारे में पूछता है और बताता है कि कैबिनेट सचिव ने पूछने के लिए कहा था। एक मुंबई का व्यापारी रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार होता है, उसके बारे में जानकारी कैबिनेट सचिव क्यों ले रहे थे? क्या वो किसी चैनल पर फोन इन करना चाहते थे, न्यूज ब्रेक करना चाहते थे या ओबी करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? केवी चौधरी सीबीसी हैं, सुरेश चंद्रा विधि सचिव हैं और पीके सिन्हा कैबिनेट सचिव हैं। ये लोग किसकी तरफ से पूछताछ कर रहे थे? जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नजर में सब कुछ हो ही रहा था, तब क्या ये सामान्य है कि एक आईपीएस ऑफिसर खड़ा होकर अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर के एक मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, इन सब पर आरोप लगा दे? इसके लिए आपको नहीं लगता कि हिम्मत की जरूरत होती होगी? क्या उस ऑफिसर ने अपना नफा नुकसान नहीं सोचा होगा? उसे अंजाम नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी उसने याचिका दायर की है? तो क्या अजीत डोभाल से भी अलग कोई इस केस में दिलचस्पी ले रहा था जो अजीत डोभाल के जरिए पता करा रहा था? क्या उसका भरोसा अजीत डोभाल पर भी नहीं था? कौन है वो जिसका अजीत डोभाल पर भी भरोसा नहीं है? वो अलग से कैबिनेट सचिव से भी पता करवा रहा है? एक राज्य के मंत्री के लिए तो ये सब नहीं हो सकता। सामान्य बुद्धि भी अगर आप लगाएंगे तो आप थोड़ा और सोचिए। हमें पता है कि ये सब आरोप हैं, मगर इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, ऐसा कब सुना आपने? देश के सबसे ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय, उनके मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सचिव, कौन है जो अब बचा हुआ है? आखिर ये खेल है क्या? क्या अब भी हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, या कोई संस्था बची भी है या बची नहीं है जो अब इस मामले को सच लाने की औकात रखती हो? कोई है ऐसी संस्था? विधि सचिव सुरेश चंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि ये पूरी तरह से झूठ है। मैं कभी लंदन नहीं गया, मैं सतीश सना को नहीं जानता और ना ही रेखा रानी को, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। क्या वाकई विधि सचिव सुरेश चंद्रा रेखा रानी को नहीं जानते हैं जो कि एक आईएएस अफसर है? रेखा रानी ने ही सतीश सना को फोन किया कि विधि सचिव आपसे बात करना चाहते हैं, उनका लंदन का नंबर दिया। देखिए, सतीश सना और रेखा रानी आईएएस अफसर हैं जो उधर ही हैदराबाद की हैं शायद। उसी बातचीत में विधि सचिव ने सना को बताया कि कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा का मैसेज है कि सरकार तुमको बचा लेगी, लेकिन 13 नवंबर को कुछ बदलाव होगा। विधि सचिव सना से मिलना चाहते थे। विधि सचिव ने इससे इनकार किया है और कहा है कि वे लंदन नहीं गए, मगर आरोप इतना भी कमजोर नहीं है। सीबीआई के डीआईजी ने याचिका में लिखा है कि 13 नवंबर को विधि सचिव ने सना को फिर फोन किया और रेखा रानी के जरिए संपर्क किया था। अभी तक राज्य मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने कई करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में किसी भी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी लेने का अभी तक कोई ढोंग भी नहीं किया है, जो अक्सर मंत्री नेता लोग करते रहते हैं कि जांच होने तक हम इस्तीफा देते हैं, वो भी नहीं किया। ना ही इस पर बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इस याचिका के संदर्भ में सवाल उठाए। शायद देश के इतिहास में पहली बार सीबीआई के डीआईजी ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को यह कहा होगा कि मोदी सरकार के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भ्रष्टाचार के अंदर पैसे लेते, पकड़े गए या शामिल हैं। देश के इतिहास में पहली बार सीबीआई के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह कहा कि उस एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मंत्री हैं उनकी मदद से ये सारी हेराफेरी का खेल खेला। सीबीआई के इस डायरेक्टर ने, डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
श्री अजीत डोवल की भूमिका पूरे मामले में संदेह के घेरे में है, इस पर प्रकाश डाला। सीबीआई के डीआईजी और डायरेक्टर श्री मनोज कुमार सिन्हा ने देश के कानून सचिव किस प्रकार से चोरों की मदद कर रहे थे और तफ्तीश में दखलअंदाजी कर रहे थे उसकी व्याख्या भी की। और सबसे गंभीर बात आदरणीय मित्रों ये भी है कि सीबीआई के इस डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये भी कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर श्री केवी चौधरी, जिनकी जिम्मेवारी है सब अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच की, वो खुद इस मामले में दखलअंदाजी कर रहे थे। आज ये सोचना पड़ेगा, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय, अगर मोदी सरकार के दो दो मंत्री, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अगर देश के कानून सचिव, देश के कैबिनेट सचिव जिनकी चर्चा की गई, यानी पूरी अफसरशाही और पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय तफ्तीश को असर डालने, दोषियों को छुड़वाने और निर्दोषों को दोषी बनाने के इस भ्रष्टाचारी खेल के अंदर, इस गैर कानूनी खेल के अंदर लगा था, तो फिर कानून की रक्षा कौन करेगा? गोदी मीडिया के होने का अब आप फायदा आप समझ सकते हैं कि इतना गंभीर मामला होने के बाद भी आपको नहीं लगेगा कि ये भी कोई मामला है। आप चैनल बदल कर देखिए ना, आप इस याचिका को पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। जिस मंत्री पर कई करोड़ रिश्वत लेने के आरोप हैं, उन पर भी ये आरोप है, उन पर ये भी आरोप है कि वे कार्मिक मंत्रालय के जरिए सीबीआई के अफसरों के मामले में दखल दे रहे थे। कार्मिक मंत्रालय में उनके जरिए ये सब हो रहा है जिन्हें सीबीआई के निदेशक रिपोर्ट करते हैं। अब आप जब ये पता करेंगे कि कार्मिक मंत्रालय जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, वहां सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा जो इस वक्त हटा दिए गए, किसे रिपोर्ट करते हैं, तो आप चकरा जाएंगे। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी को राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के मामले में जांच की बात कही थी। वैसे सीवीसी को खुद ही इस मामले को अंजाम तक ले जाना था मगर नहीं ले जा सके, पर वो कहानी अलग है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक डीआईजी हैं और डीआईजी एमके सिन्हा की याचिका में सीवीसी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अस्थाना मामले में शिकायतकर्ता सतीश तन्ना ने सीवीसी केवी चौधरी से मुलाकात की थी। उस समय केवी चौधरी के रिश्तेदार के साथ मिलने गया था जिनका हैदराबाद में डीपीएस स्कूल है। यह मुलाकात दिल्ली में हुई थी। चौधरी ने अस्थाना से पूछा था कि सतीश सन्हा के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं। अस्थाना ने कहा कि सन्हा के खिलाफ बहुत सबूत नहीं है। सन्हा ने ही अस्थाना पे 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए रिश्वत के आरोप लगाए हैं। सवाल है, अगर सीवीसी की भूमिका भी संदिग्ध हो जाए तो कैसे कोई भरोसा करे और न्यूज चैनल चुप हो जाए तो कैसे जनता को पता चले कि अस्थाना और आलोक वर्मा में जांच किसी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो रही है? अगर सीवीसी ने अपने रिश्तेदार के साथ दिल्ली में कहीं सतीश सन्हा से मुलाकात की थी तो क्या यह सीवीसी के होने के मैंडेट के खिलाफ बात है या नहीं है? क्या यह सीरियस आरोप है या नहीं है? इस याचिका में एक और एंगल आया। नितिन संदेसरा, दुबई के व्यापारी मनोज प्रसाद को अस्थाना मामले में गिरफ्तार किया गया। उस मनोज प्रसाद ने बताया कि लंदन में स्टर्लिंग बायोटेक के नितिन संदेसरा से मुलाकात की थी। नितिन संदेसरा भी गुजरात का एक व्यापारी है। नितिन संदेसरा पर 5300 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। गुजरात के वडोदरा में इसकी एक कंपनी है। अगस्त में ही संदेसरा सऊदी भाग गया था। 24 सितंबर 2018 के टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर लिखी थी कि संदेसरा ने अपने पूरे खानदान के साथ नाइजीरिया की नागरिकता ले ली। वो भाई भाभी सबके साथ भागा है, जिसके साथ भारत प्रत्यर्पण का करार नहीं कर सकता। 25 सितंबर को यही खबर इंडियन एक्सप्रेस ने भी छपी है। आप अपने हिंदी अखबार पलटकर देखिए, वहां ये सब खबरें छपी हैं कि नहीं छपी हैं, या जब सब सत्यानाश हो जाएगा तभी आप समझेंगे। इसीलिए डीआईजी एमके सिन्हा की याचिका को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। नितिन संदेसरा पूरे खानदान के साथ भाग, और ये खबर बताइए कहीं प्रमुखता के साथ नहीं, जबकि इस मामले में आंध्र बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। अब आपको एक्सिस समझ में आया, गुजरात, आंध्र के व्यापारी, आंध्र के अफसर, आंध्र बैंक, समझ में आ रहा है सर?
संदेसरा पर आरोप है कि उसने 300 शेल कंपनियां बनाई, इनके जरिए 5000 करोड़ की हेराफेरी की गई। अब देखिए बैंकों का लाखों करोड़ किस किस ने कर्ज लेकर नहीं लौटाया, इसका नाम बताने में भी किसी को क्या दिक्कत है। आज केंद्रीय सूचना आयुक्त ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री कार्यालय की खिंचाई की, पहले भी खिंचाई कर चुका है मगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं मीडिया टेस्ट टूल किट पर। एक ही दिन के अखबार में आप इस टूल किट को आजमा सकते हैं। इस बार सबसे आसान होगा, आप मंगलवार यानी 20 नवंबर के सारे हिंदी अखबार निकालिएगा, जो भी लेते हैं उसको देखिएगा। हमने आपको पहले रफाल मामले पर मीडिया टेस्ट टूल किट में बताया था क्या क्या करना है, फिर से बताते हैं आपको। तीन चीजें देखनी है, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है या नहीं दी गई है, हेडिंग में सामान्य बातें हैं या ध्यान खींचने के लिए राज्य मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका को भी प्रमुखता से छापा गया है, क्या इस खबर को एक दो कॉलम में निपटा दिया गया है, या मंत्री ने किससे पैसे लिए, उसका संदर्भ क्या था, किसको प्रभावित किया, कैबिनेट सचिव ने क्यों और किसने किसके लिए फोन कर पूछा, विधि सचिव ने किसे फोन किया, किसके कहने पर आलोक वर्मा ने किसकी गिरफ्तारी रोकी, किस पन्ने पर यह खबर छपी है, इससे पता चलेगा कि आपके हिंदी अखबार में कितनी हिम्मत बची है। हेडिंग से प्राथमिकता का पता चलेगा, डिटेल से आप केस के बारे में जानेंगे। हिंदी अखबार बहुत सी ऐसी खबरों को नहीं छाप रहे हैं, छापते भी हैं तो रूटीन टाइप छापते हैं, डिटेल नहीं बताते हैं, इसलिए उनकी समीक्षा बहुत जरूरी है, जैसे आप हम टीवी वालों की करते हैं। बल्कि टीवी चैनलों को भी देखिए कि क्या इस याचिका में कही गई बातों को आप तक पहुंचाया गया है। ये बहुत ही सीरियस मामला है, सीबीआई है, इसके चार चार अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में लिख के याचिका फाइल कर रहे हैं कि इस तरह से पीएमओ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आ रहा है, ये खबर गली मोहल्ले की खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है, कोर्ट ने डीआईजी एमके सिन्हा को भी हाजिर होने के लिए कहा है, तो मंगलवार को भी हाजिर होइएगा। ब्रेक लेते हैं।